class, in last video lecture, we studied about ADO.NET and its features. So our next topic is ADO.NET architecture. So अगर असं गल करिए ADO.NET के आर्कीटेक्चर की, तो वो दो मेन ऑब्जेक्ट्स है, प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स एंड कॉमन ऑब्जेक्ट्स, जेडे मेन रोल प्ले करते हैं. ठीक है, प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जेडे सानू डेटाबेस तो डेटा प्रोवाइड करते हैं, या फिर डेटाबेस के नाल किसी कनैक्शन बनाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. ठीक, कॉमन ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे जेडे साडे एप्लीकेशन के नाल कनैक्शन करवाते हैं डेटाबेस के एलीमेंट्स का, या फिर इदा कह लो कि डेटाबेस का एक व्यू टाइप स्ट्रक्चर डेटा सैट के सेव करवाते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के, एंड वो सारे जिन्हें भी एलीमेंट्स होंगे वो सारे एलीमेंट्स सानू यूज असी यूज़ करते उन्होंने डेटाबेस के डेटा वैल्यूज एंटर करवाने के लिए. एंड कॉमन ऑब्जेक्ट्स जेडे ने यह हमेशा डिसकोनैक्टिड डेटा आर्कीटेक्चर के वर्क करते हैं. लास्ट वीडियो लैक्चर के असी कनैक्शन आर्कीटेक्चर पढ़े से, जिसे कनैक्टिड एंड डिसकोनैक्टिड दो मोड्स से डेटाबेस के कनैक्टिविटी करन दे. ठीक है, जेड़ा प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे कनैक्शन ओरिएंटेड आर्कीटेक्चर से वर्क करते हैं, एंड कॉमन ऑब्जेक्ट्स जेड़े ने ये सारे के सारे डिसकोनैक्टिड डेटा आर्कीटेक्चर के काम करते हैं. ठीक है जी, हुण सब तो पहला तो एक व्यू लेने कि इन्हां विच की है, उस तो बाद इन्हां दी डिटेल्स स्टडी करांगे. ठीक है, सब तो पहला तो ये विच है कनैक्शन. कनैक्शन वो वाला ऑब्जेक्ट है प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट के जिहड़ा सानू डेटाबेस नाल कनैक्शन बना के दिंदा. ठीक, इहदा पूरा तरह किस तरह काम करता है असीं अगे देखते हैं इस वीडियो दे विच. ठीक है, ओवरव्यू दे रही हां इहदा. कमांड ऑब्जेक्ट जिहड़ा होएगा इह सानू दीआं कमांड्स नू एग्जीक्यूट करवाएगा. डेटा रीडर ने डेटा रीड करवाना है डेटाबेस तो, यह सिर्फ रीड करता है, चेंजेस नहीं करता, राइट नहीं करता, सिर्फ रीड करता. ठीक है, डेटा अडैप्टर ने सारिया चेंजेस वाले जिन्हें भी काम से डेटा अडैप्टर करता, किदा करता है ये आप अगे देखा इस लैक्चर के. ठीक, कमांड बिल्डर जड़ा है ये कमांड्स नू बिल्ड करता. हुण किस तरह बिल्ड करनी है, कि कमांड बिल्ड करनी है, ये डिपेंड करेगा कि इधरों डाटा किस तरह का आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन तो किस तरह डाटा मैं सेंड किया. ठीक, ट्रांजैक्शन एंड पैरामीटर्स, ट्रांजैक्शन होंदिया ने डेटाबेस के ही कुछ ट्रांजैक्शन सानू करनिया पैंदियां, लाइक सानू डाटा ट्रांसफर करना पैंदा. अगर असी एग्जाम्पल लिए बैंकिंग की, तो बैंक के हो सकता असी एक अकाउंट तो डाटा ट्रांसफर करना है, अपने पैसे ट्रांसफर करने हैं दूसरे अकाउंट के. ठीक है, उन्हें एक ट्रांजैक्शन कहते, मतलब डाटा एक जगह तो दूसरी जगह सेंड करना है, ट्रांसफर करना है. ठीक, पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स विच की होंगे, ये अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं जेडे कि असं एसक्यूएल कमांड्स के कमांड्स के पैरामीटर सेंड करते हैं. वैल्यूज लाइक इनसर्ट कमांड करनी है, तो वो मैंने वैल्यूज सेंड करनी पैनगियाँ डेटाबेस के वैल्यूज इनसर्ट करनी है, और जो वैल्यूज होगी पैरामीटर्स की तरह काम करती हैं. ठीक है, अदर प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स में कुछ इन्हों तो इलावा एक्सट्रा अगर सू कोई फैसिलिटी असी प्रोवाइड करनी है डेटाबेस की कनैक्टिविटी के लिए, तो वह ये आते हैं. ठीक है, दैन आते साडे कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ये असी नैक्सट वीडियो लैक्चर में करांगे, एक ओवरव्यू दे दिंदी इन्हों का की हुंदा. ठीक है जी, डेटा सैट है जिहड़ा डिसकोनैक्टेड डेटा आर्कीटेक्चर के यूज़ हुंदा, इस डेटा सैट के ही सारा दा सारा टेबल डेटा अडैप्टर सेंड करता है डेटा सैट के, जिन्हें भी टेबल्स होणगे, जिन्हें भी डेटाबेसिज होणगे, डेटाबेस के जिन्हें भी टेबल्स होणगे सारे ये जाणगे. ठीक है जी, एक डेटाबेस के सारे टेबल्स डेटा सैट के कोल जांदे. दैन डेटा टेबल ने हर एक टेबल नूं यूनीक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करन दे लई काम करना है. ठीक, डेटा रोज़ ने हर एक टेबल दियाँ किन्नियां रोज़ किहड़ी रो दे उत्ते किस तरह डेटा सेव करना है, रोज़ की कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ये सारे काम डेटा रोज़ दे. या फिर कह लो कि अगर मैं रोज़ दे उत्ते किसी भी तरह डेटा मैनीपुलेशन कर रही हाँ, चाहे इनसर्ट कर रही हाँ, डिलीट कर रही हाँ, अपडेट कर रही हाँ, तो वह सारा काम डेटा रोज़ करनगे. ठीक है, डेटा व्यूज़, एक व्यू की होंगे सब तो पहला सूँ ये पता होना चाहिए. ठीक है, व्यू की होंगे है कि अगर साढ़े को एक पूरा डेटाबेस है, मैं चाहनी हाँ कि एक परसन अगर मैं उदी अगर मैं कर देव लिमिटेशन सैट कर देव कि उस परसन नू सिर्फ इस डेटाबेस दे इस टेबल दियाँ दो रोज़ या फिर दो कोलम्स ही शो हो. ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं हर बार लिखा कि सिलेक्ट दिस एंड दिस कोलम फ्रॉम दिस, मैं एक व्यू बना लैनी कि हमेशा जो भी मैं व्यू नू कॉल करा उस व्यू दे विच होंगे एक व्यू बनाने लगे असं उस टेबल के कोलम्स नू ऐड कर दें कि ए कोलम्स एक टेबल की फॉर्म के मैं शो हो जाया करन. ठीक है, एंड हमेशा उस तो बाद मैं व्यू नू ही कॉल करनी पेगी, उन्होंने सूँ मैनू हर एक कोलम की स्पेसीफिकेशन देने की जरूरत नहीं पैंती. ठीक,
डेटा रिलेशन दसद कि किस तरह का रिलेशन है डेटाबेस दी वैल्यूज़ दे विच एक दूसरे दे नाल लाइक फोरन की है या नहीं है वो सारी चीज़ा। ठीक, कंसट्रेंट्स मतलब किस तरह दी असी और उत्ते लिमिटेशंस लगाई हैं साडे डेटाबेस दे विच वो सारियां इहदे विच आणगीआं। ठीक है, अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स वो होणगे अगर इस तो इलावा किसी तरह का डेटा मैं स्टोर करवा रही हूँ या फिर किसी तरह की ओपरेशन परफॉर्म करवाना डेटाबेस के उत्ते तो वो ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, एक डेटा कोलम्स नाम का ऑब्जेक्ट कई बार बुक के मैनशन होंगे कई बार नहीं होंगे। डेटा कोलम्स नाम का ऑब्जेक्ट डेटा रोज़ की तरह ही काम करता है। डेटा रोज़ ने हर रोज़ की कंसिस्टेंसी बनानी है, डेटा कोलम्स ने कोलम्स का ध्यान रखना कि जिस कोलम के किस तरह का डेटा मैं ट्रांसफर करना है उस तरह का हो रहा है या नहीं, या फिर किस कोलम के उ मैं प्राइमरी की अगर लगाई है किसी कोलम के उन प्राइमरी की वो मेनटेन रहे। ठीक है, ये सारे काम कॉमन ऑब्जेक्ट दे रहे। ठीक है, याद रखियो प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स कनैक्टिड आर्कीटेक्चर से काम करते हैं एंड कॉमन ऑब्जेक्ट डिसकोनैक्टिड डाटा आर्कीटेक्चर के। ठीक है, हम नैक्सट असं मूव करते हैं पहला प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स के उत्ते। इस वीडियो लैक्चर मैं इन्हों एक्सप्लेन करा पूरा, नैक्सट वीडियो लैक्चर के असं इन एक्सप्लेन करा जी। ठीक है, सब तो पहला कनैक्शन ऑब्जेक्ट, कनैक्शन ऑब्जेक्ट कनैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कनैक्शन क्लास क्यों यूज़ करते हैं असी, कनैक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन नू किहदे नाल डेटाबेस दे नाल। ठीक है, वो कनैक्शन बनाना है बेसिकली, ये कह सकते हो कि एक तरह का पाथ सैट करना है कि किस पाथ के थ्रू मेरे डेटाबेस के वैल्यूज़ जाएंगियाँ। ठीक है, उस तो बाद कनैक्शन ऑब्जेक्ट की करता है, सानू हेल्प करता है असैस करन दे लई या मैनीपुलेट करन दे लई डेटाबेस। क्यों? क्योंकि जे मैं मैनू पाथ पता होएगा उस तो बाद ही मैं डेटा असैस कर सकती हूँ या मैनीपुलेट कर सकती हूँ डेटा नू डेटाबेस दे विचों। ठीक है, सो ये सारा का सारा काम कनैक्शन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, कनैक्शन ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इहदा डिफरेंट क्वेश्चन भी बन के आ जाता है, एक्सप्लेन कनैक्शन ऑब्जेक्ट यूज इन ADO.NET। ठीक है, उसके लिए 5 marks के मोस्टली पूछा जाता है कनैक्शन ऑब्जेक्ट अगर कला पूछा जाए तो वो भी प्रिपेयर रही हो। ठीक है जी, उस तो बाद नैक्सट की है, ऑलसो डेटाबेस ट्रांजैक्शन आर डिपेंडेंट ऑन कनैक्शन ऑब्जेक्ट। ट्रांजैक्शन तुम्हें दस चुकी हैं, बैंक वाली एग्जाम्पल दी सी। ठीक है, हम अगर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन भी करनी है तो वो भी कनैक्शन ऑब्जेक्ट ही डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर कनैक्टिड आर्कीटेक्चर है, अगर सारा डेटाबेस के नाल कनैक्शन बनया रहेगा दोनों, अगर मैं एक डेटाबेस तो दूसरे डेटाबेस में वैल्यू सेंड करनी है। ठीक है, दैन उन्होंने दोवों के भी कनैक्शन होना बहुत जरूरी है, वह कनैक्शन भी कनैक्शन ऑब्जेक्ट ही बना के देता है। ठीक, इन ADO.NET द टाइप ऑफ कनैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन, किस चीज़ से डिपेंड करता है, वट डेटाबेस सिस्टम यू आर वर्किंग विद। मतलब ये की आता है कि मैं किस तरह का डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ वो बेस पर कनैक्शन बनाया जाएगा। किस किस तरह के कनैक्शन हो सकते हैं, SQL कनैक्शन, OLEDB कनैक्शन, ODBC कनैक्शन, मतलब मेन तीन मैं यूज़ किए इतने। ठीक है, इस तो अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस यूज़ करते हो, उन्होंने ही कनैक्शन ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे। ठीक है, यही चीज़ दसी इतने कि डेटाबेस सिस्टम पर डिपेंड करेगा, अगर मैं SQL डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ MySQL तो वो SQL कनैक्शन बनेगा, अगर मैं OLEDB यूज़ कर रही हूँ दैन वो OLEDB कनैक्शन होएगा। टाइप ऑफ कनैक्शन डिपेंड करेगा डेटाबेस सिस्टम पर। ठीक, दैन कनैक्शन ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह वर्क करता है, डेटा अडैप्टर ने साडियाँ इनसर्ट डिलीट वगैरह कमांड्स चलानियाँ सी। ठीक है, डेटा सोर्स की है, डेटाबेस। ठीक है, कनैक्शन ऑब्जेक्ट इन दोवों के एक मिडल मैन है, अगर कनैक्शन बनया होएगा दैन ही डेटा अडैप्टर एक कमांड्स एग्जीक्यूट करवा सकता है इधरों। ठीक, यही चीज़ इतने दसी गई। दैन नैक्सट पॉइंट, यू नीड टू डिफाइन ए डेटा प्रोवाइडर एंड डेटा सोर्स वैन यू ट्राई टू क्रिएट ए कनैक्शन। मतलब जो भी मैं कनैक्शन बनाना है तो उस टाइम पर डेटा प्रोवाइडर भी डेटा कितों आ रहा है, डेटा सैट तो आ रहा है, या मैं कनैक्टिड आर्कीटेक्चर की हैल्प के नाल डायरैक्टली एप्लीकेशन तो ही डेटाबेस के डेटा सेंड कर रही हूँ। ठीक है, डेटा प्रोवाइडर उही होंगे, या तो मेरी एप्लीकेशन हो सकती है या फिर मेरा डेटा सैट हो सकता है। ठीक, डेटा सोर्स की होंगे, डेटाबेस डेटा सोर्स जिथे भी डेटा सेव है उस जगह डेटाबेस के डेटा स्टोर होंगे, सो डेटा सोर्स मीनस डेटाबेस। ठीक है, जो भी मैं कनैक्शन ऑब्जेक्ट बनाना तो मैं पता होना चाहिए कि मेरा डेटा कितों आ रहा है एंड कितने भेजना है। ठीक है, कितों आ रहा है एंड कितने भेजना है, ये चीज़ बनाने के लिए कनैक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, दैन एक ये होंगी कनैक्शन स्ट्रिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कनैक्शन ऑब्जेक्ट की। कनैक्शन स्ट्रिंग की है, यदा पैरामीटर है कनैक्शन ऑब्जेक्ट का, किस काम लिए यूज़ होंगे, ये डिसाइड करता है तो कनैक्ट करता है। डिसाइड की करता है कि मैं किस तरह का कनैक्शन बनाना है, तो कनैक्ट भी करता है फिर मेरे कनैक्शन ऑब्जेक्ट नू डेटाबेस दे नाल एंड
उस तो बाद की करता ओपन करता कनैक्शन बिटवीन दैम, मतलब पहला कनैक्शन बनाता उस तो बाद ही रस्ता खोलता है। सेम लाइक अगर रोड बन रही है तो पहला रोड बनाते टाइम रस्ता दोनों साइड तो बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। वह काम है कि उन्हें कनैक्शन बना दिता, हूँ ओपन भी करना रोड में यूज़ करने के लिए, दैन ओपन भी करना पैंता सू कनैक्शन, ठीक है। और कनैक्शन का ऑब्जेक्ट बना के CON टाइ नाम का मे भी तुम्हें सुनया होगा कनैक्शन का CON.open कुछ इस तरह का लिखा जाता हमेशा हर जगह पर जिथे भी डेटाबेस कनैक्टिविटी का कोड चलता हो, ठीक है। उही कनैक्शन स्ट्रिंग है जी CON के जो भी कोई वैल्यू सेंड करते हैं वह कनैक्शन स्ट्रिंग होंगी है, ठीक है। वो साडे कनैक्शन बनांदियां भी ने ते ओपन भी करदियां ने कनैक्शन नू, उही स्ट्रिंग ओपन करती है, ठीक है जी। हुण नैक्सट असीं मूव करते हैं कमांड ऑब्जेक्ट ते। कमांड ऑब्जेक्ट इज यूज टू परफॉर्म एक्शन ऑन डेटा सोर्स, मतलब नाम दस रहा कमांड ऑब्जेक्ट मीनस ये कमांड्स चलाएगा, ठीक है, मतलब एक्शंस परफॉर्म करेगा। कमांड चलाना मतलब एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट SQL कमांड्स एंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स। एग्जीक्यूट करना SQL कमांड्स नू या स्टोर्ड प्रोसीजर की होंगे, मतलब लेट अस एग्जामिन कि मैं एक फाइल बनाई और मैं सारिया सारिया कमांड्स लिख दित्तियां, दैन उन्होंने मैं क्या वर्क करो। सेम लाइक असी अगर क्रोन टैब कमांड जिस तरह लाइनक्स के वर्क करती है वो असी कमांड स्पैसीफाई कर दें नाल और टाइमिंग दस दें कि इन्ने बजे चले। सेम यही चीज़ डेटाबेस के उत्ते भी पॉसिबल होंगी है, वो असी स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने जो असी क्रोन टैब करते स्टोर्ड प्रोसीजर कहते, ठीक। स्टोर्ड प्रोसीजर्स या फिर SQL कमांड्स किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना तो वो कमांड ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है जी। दैन कमांड ऑब्जेक्ट के तीन मेन मैथड्स है, ठीक है, जेडे ये काम करते हैं। कि मैथड्स ने सब तो पहला तो है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मैथड। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, नॉन क्वेरी नॉन मीनस कुछ भी नहीं, सो ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। मतलब वो वाली कमांड जिन्हों तो असी कुछ नहीं मिलना, मतलब सानू कुछ नहीं रिटर्न च आना, ठीक। सेम ये कमांड आ सकती हैं इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट। इंसर्ट के टाइम तो असी दिंदे हैं डेटाबेस नू वैल्यू, डिलीट के टाइम तो डिलीट कर दें डेटाबेस तो सानू तो कुछ नहीं आता, ठीक है। अपडेट के टाइम तो भी असी डेटाबेस नू वैल्यू अपडेट करन दे लई दिंदे हैं, मतलब असी कुछ नहीं लै रहे, असी कितने कुछ पेज से शो नहीं करवाना। हाँ अगर तुम एक तरह ना कह सकते हो कि असी कमेंट शो करवा दें कि यस डेटाबेस के वैल्यू इंसर्ट हो गई है या डिलीट हो गई है, वो साडे एंड ते काम करदा, बट कंपलसरी नहीं हुंदा वो चीज़, ठीक है जी। तो जिहड़ियां चीज़ां इनसर्ट डिलीट एंड अपडेट, मतलब इन्होंने कुछ भी सानू रिटर्न नहीं करना, तो उन्होंने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मैथड के नाल वर्क करवाया जाता है, ठीक है। नैक्सट हैगा एग्जीक्यूट स्केलर मैथड। ये की होंगे स्केलर मीनस वन, सो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा, ठीक है। नॉन मीनस नो वैल्यू, स्केलर मीनस वन वैल्यू। ये किस तरह आ सकता है, सिलेक्ट करो काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। काउंट स्टार मीनस सारी वैल्यूज काउंट करनी है भी किन्ने नंबर ऑफ रोज़ है, ठीक है। काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ये नंबर ऑफ रोज़ ही रिटर्न होनगिया, एक वैल्यू रिटर्न होएगी। अगर मैं मेरे टेबल दे विच 5 रोज़ है तो ये मैनू रिटर्न होएगा 5 रोज़ की वैल्यू रिटर्न नहीं होएगी, क्योंकि मैं जो रिटर्न करवा रही हूँ उही चीज़ रिटर्न होएगी, सिंगल वैल्यू रिटर्न करवा रही हूँ, सो ये चीज़ होएगी, ठीक है। या फिर कह लो सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इज इक्वल टू 1। ID जिथे मैं प्राइमरी की एज्यूम कर रही हूँ, अगर ID 1 है दैन वो सिर्फ नेम रिटर्न करवा रही हूँ, नेम एक ही वैल्यू है रिटर्न करवा रही जी मैं ID 1 दे कंडीशन नाल दी है, तो मेरी एक सिंगल वैल्यू बनी। अगर मैं इतने कंडीशन नहीं दिंदी तो उत्थे मल्टीपल रोज रिटर्न होनी है, दैन वो एग्जीक्यूट स्केलर वर्क नहीं करना सी, या फिर करना भी सी तो उन्हें सिर्फ एक फस्ट रो की वैल्यू शो करवा देनी सी, बाकी रोज़ नहीं शो करवानी है, ठीक है। दैन लास्ट है एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर ने मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए काम करना है, मतलब मैं पूरा का पूरा अगर टेबल ही रिटर्न करवाना चाहवा तो वह काम एग्जीक्यूट रीडर करेगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम अगर क्वेरी चलानी हो तो वो एग्जीक्यूट रीडर काम करेगा। इट सेंड्स SQL स्टेटमेंट्स टू कनैक्शन ऑब्जेक्ट। इन्हें की करना SQL स्टेटमेंट कनैक्शन ऑब्जेक्ट में सेंड की, दैन की किया पोपुलेट द डेटा रीडर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन SQL स्टेटमेंट। पोपुलेट द डेटा रीडर ऑब्जेक्ट, डेटा रीडर ऑब्जेक्ट रीड करता डेटा नू, ठीक है। एग्जीक्यूट रीडर ने भी रीड ही करना है, मतलब डेटा रीडर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट रीडर के नाल ही काम करता है कमांड ऑब्जेक्ट दे, ठीक। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट SQL कमांड। एग्जीक्यूट करता SQL कमांड नू एंड रिटर्न ए सैट ऑफ रोज फ्रॉम द डेटाबेस। SQL कमांड नू एग्जीक्यूट किया उस तो बाद जिन्नी भी रोज़ उन्हें मंगिया से सारिया रोज़ रिटर्न कीतियाँ उन्होंने,
ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये अगर जिन्या भी रोज़ मैं मंगी, स्टार मीनस सारियाँ मंगियाँ, दैन सारियाँ शो हो गया। या फिर अगर यही एग्जाम्पल ले जाए तो मैं वेयर कंडीशन लैटस एज्यूम मैं नहीं लगाई, सिर्फ इन्ना लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम सैमी कोलन, दैन वो सारे जिन्हें भी नेम्स हो गए जिन्या भी रोज़ हो सारे रिटर्न करेगा, वो भी एग्जीक्यूट रीडर के नाल एक्चुअल वर्किंग करेगा। ठीक, नैक्सट ऑबजेक्ट डेटा रीडर ऑबजेक्ट। डेटा रीडर प्रोवाइड्स ए फॉरवर्ड ओनली, ध्यान दियो ये बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली, अगे अगे वधना है तो सिर्फ रीड करना है, चेंजिस नहीं करने। ठीक है, इस तरह की कनैक्टिड स्ट्रीम रिकॉर्ड सैट प्रोवाइड करता है। कनैक्टिड स्ट्रीम क्यों? क्योंकि अगे अगे वधना है बिना कोई रो स्किप किए, इस करके फॉरवर्ड ओनली है तो कनैक्टिड स्ट्रीम है। ठीक है, तो करना कि अगे वधदे वधदे असी रीड ही करना, सिर्फ ट्रैवर्स ही करना वैल्यूज़ नू। ठीक है, उन्हां उत्ते कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, कोई भी मोडिफिकेशन नहीं परफॉर्म करनी, ये काम है डेटा रीडर ऑब्जेक्ट का। ठीक, दैन डेटा रीडर ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड ओनली करजर, फॉरवर्ड रीड ओनली करजर, फॉरवर्ड ही चलता है, रीड ओनली है, तो करजर की तरह ही काम करता है। करजर, करजर का मतलब तुम्हें पता ही होगा, करजर मीन किसी जगह पर कुछ जाके रीड करना। ठीक है, तो फॉरवर्ड ओनली है तो रीड ओनली है, इस करके नवा नाम बना दिता, फॉरवर्ड रीड ओनली करजर बना दिता। क्यों? क्योंकि करजर ने सिर्फ रीड ही करनी होंगे वैल्यूज। अगर नॉर्मल करजर की गल करिए तो करजर अपने आप कोई ऑपरेशन राइट नहीं कर सकता। ठीक है, उही चीज़ है। ठीक, बिकॉज इट मूव्स फॉरवर्ड थ्रू द डेटा, सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता डेटा तो, एंड प्रोवाइड्स रीडिंग असैस ओनली। ठीक है, सिर्फ रीडिंग ही प्रोवाइड करता डेटा रीडर, वो नाम ही दस रहा है कि उन्हें सिर्फ रीड करना है। ठीक, उस तो बाद डेटा रीडर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टेंशिएटेड, इनू डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं असं कर सकते, मतलब इनू डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यदा बना नहीं सकते। ठीक है, यद ऑब्जेक्ट इनडायरैक्ट वे दे विच असी जो SQL की कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, जो असी एग्जीक्यूट रीडर मैथड चलाना कमांड ऑब्जेक्ट का, उस टाइम पर ही बना सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद रैदर द डेटा रीडर इज़ रिटर्न एज रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट्स एग्जीक्यूट रीडर मैथड, मतलब डेटा रीडर हमेशा बनता कदों है, जो साढ़े एग्जीक्यूट रीडर मैथड ने कुछ वैल्यूज़, कुछ नंबर ऑफ रोज़ रिटर्न करनिया हो गया। एग्जीक्यूट रीडर मैथड कहता है कमांड ऑब्जेक्ट का, इन्हें कुछ नंबर ऑफ रोज़ कमांड ऑब्जेक्ट के थ्रू रिटर्न करनिया हो गया, तो वह वाली रोज़ डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट स्टोर हो गए। ठीक है, इस तरीके ना हर एक डेटाबेस का भी अपना डेटा रीडर होंगे। ठीक, SQL कमांड दे लई SQL कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर मैथड यूज होंगे। ठीक, दैन OLEDB दे लई OLEDB कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर यूज होंगे। ठीक, ए SQL डेटा रीडर ऑब्जेक्ट नू रिटर्न करेगा, एंड ए OLEDB डेटा रीडर नू रिटर्न करेगा, मतलब असी सिर्फ डेटाबेस दे नाम चेंज कर रहे हैं, बाकी पिछे वाला सारा डेटा सेम है। ठीक है, हुण इत्थे मैं कि लिखा SQL डेटा रीडर यूज़ कर रही हूँ, SQL डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया R इज इक्वल टू CMD की है कमांड ऑब्जेक्ट, कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट रीडर मैथड, कमांड ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूट रीडर मैथड कुछ रिटर्न कर रहा है किनू, R ऑब्जेक्ट नू। R ऑब्जेक्ट के दा है SQL डेटा रीडर का, मतलब SQL डेटाबेस यूज़ कर रहा है MySQL। ठीक है जी, उस तो बाद नैक्सट है डेटा रीडर ऑब्जेक्ट वर्क्स इन कनैक्टिड मॉडल। पहले ही दस चुकी हैं लैक्चर के स्टार्टिंग विच, प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट सारे सारे कनैक्टिड मॉडल दे विच ही वर्क करते हैं। ठीक है, सो डेटा रीडर ऑब्जेक्ट भी कनैक्टिड मॉडल ही वर्क करेगा, कनैक्टिड डेटाबेस अगर होएगा तो फिर ही इन्हें रिटर्न करनी है वैल्यूज, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेगा। ठीक, वैन वी स्टार्ट टू रीड फ्रॉम डेटा रीडर इट्स ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी ओपन, जो भी मैं रीड करना शुरू करना डेटा रीडर तो यार ऑब्जेक्ट हमेशा ओपन होना चाहिए, यह ना हो ऑब्जेक्ट क्लोज है एंड उस टाइम पर मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। सेम लाइक इट विल बी लाइक कि बुक बंद है एंड मैं बुक के अंदरों चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, इदा कभी हो नहीं सकता। सेम उही चीज़ इतने भी। ठीक है, अगर डेटाबेस डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट ही ओपन नहीं है दैन उन्होंने मैं रीड नहीं कर सकती। एंड सैकेंड कंडीशन की है, सब तो पहली कंडीशन कि इनू ओपन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है पोजिशन प्रायर टू फस्ट रिकॉर्ड। अगर मेरा डेटाबेस है जिसे फस्ट रिकॉर्ड है जिसे ID एंड नेम स्टोर की है, ठीक है, फस्ट ID मैं स्टोर की 1, तो डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट जो भी मैं इंस्टेंशिएट किया उस टाइम पर 1 तो पहला वाली जगह के उत्ते स्टोर होना चाहिए। मतलब अगर मेरा ये डेटाबेस है, ठीक, डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट इस फस्ट रो तो पहला स्टोर होना चाहिए। ठीक, ताकि जो भी मैं रीड करा तो हमेशा वो नैक्सट मूव करे एंड फिर रीड करे, दैन फिर नैक्सट मूव करे फिर रीड करे, कुछ इस तरह ना। तो रीड किदा करना है, रीड मैथड की हैल्प के नाल।
ਠੀਕ ਰੀਡ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਰੀਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਡਾਟਾ ਰੀਡਰ ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੂਵਸ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਏ ਨਿਊ ਵੈਲਿਡ ਰੋ ਰੀਡ ਮੈਥਡ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਊ ਵੈਲਿਡ ਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰੋ 'ਤੇ ਗਿਆ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਰੋ 'ਤੇ ਗਿਆ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਰੋ 'ਤੇ ਗਿਆ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਟੋਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੂਵਸ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਵੈਲਿਡ ਰੋਟ ਇਫ ਐਨੀ ਰੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅਗਰ ਰੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਰੀਡਰ ਡੋਟ ਰੀਡ ਮੈਥਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਓਬਜੈਕਟ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਵੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਟੇਕਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਏ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੁਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੁਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੁਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨੋਨ ਕੁਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਸਕੇਲਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਰੀਡਰ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਾਟਾ ਰੀਡਰ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਐਂਡ ਪੁਸ਼ਿਜ਼ ਦੈਮ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਕਿਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੋਮਨ ਓਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਬਜੈਕਟ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਕੋਮਨ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਡੋਟ ਫਿਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਇਟ ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟਸ ਐਨੀ ਚੇਂਜਿਸ ਮੇਡ ਇਨ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਕਲੋਨ ਕਾਪੀ ਹੈ ਠੀਕ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਓਰਿਜਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਡੋਟ ਅਪਡੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲ ਮੈਥਡ ਨੇ ਡਾਟਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਾਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਐਂਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸੇ ਫੀਚਰ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਿਡ ਐਂਡ ਡਿਸਕੋਨੈਕਟਿਡ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਓਬਜੈਕਟ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕੋਨੈਕਟਿਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਮਨ ਓਬਜੈਕਟਸ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਦੈਨ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡੈਟ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਮਾਂਡਸ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮਾਂਡ ਅਪਡੇਟ ਕਮਾਂਡ ਇਨਸਰਟ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ ਕਮਾਂਡ ਆ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡਸ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਪਸ ਫੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਡੋਟ ਫਿਲ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਮੈਥਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਫੈਚ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਫੈਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨੋਨ ਕੁਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਸਕੇਲਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਰੀਡਰ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਲ ਫਾਈਲ ਆਫ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ASP.NET ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ XML ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ XML ਫਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੀ XML ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਡਾਟਾ ਇੰਟੂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ XML ਫਾਈਲ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕੋਨੈਕਟਿਡ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਡੋਟ ਫਿਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਪਸ ਫੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਡੋਟ ਅਪਡੇਟ ਮੈਥਡ ਅਪਡੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੁਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਫਿਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕੁਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ SQL ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SQL ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਆਫ SQL ਡਾਟਾਬੇਸ ਮਾਈ SQL ਡਾਟਾਬੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
accompanying the query string and connection object. मतलब जिहड़ा ये ऑब्जेक्ट होएगा इहदे विच क्वेरी स्ट्रिंग भी होएगी, जिहड़ी क्वेरी असीं एग्जीक्यूट करनी उह भी होएगी, प्लस मतलब अपडेट क्वेरी चलानी सी उह इहदे विच जाएगी, प्लस कनैक्शन ऑब्जेक्ट जिहड़ा कनैक्शन ऑब्जेक्ट असीं डेटाबेस दे नाल कनैक्शन नूं प्रोवाइड करन दे लई यूज़ कर रहे हैं उह भी इहदे नाल ही SQL डाटा अडैप्टर ऑब्जेक्ट दे विच होएगा उहदे पैरामीटर्स दे विच। ठीक है, नैक्सट हैगा है यूज़ अपडेट कमांड ऑफ डाटा अडैप्टर। ਕਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਅਪਡੇਟ ਕੁਐਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੇਂਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੇਂਜਿਸ, ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਵਾਪਸ ਅਨਡੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਸਟੈਪਸ ਡਾਟਾ ਅਡੈਪਟਰ ਡੋਟ ਅਪਡੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇਵ ਚੇਂਜਿਸ ਮੇਡ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਕੈਸ਼ੇ ਆਫ ਡਾਟਾ ਓਨ ਬੈਕਐਂਡ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਂਡਸ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਮਨ ਓਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਕਮਾਂਡਸ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਮਾਂਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਅ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਅ ਸਟੇਟਸ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਅ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ ਰੋਅ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਚੇਂਜਡ, ਮੈਂ ਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡਿਡ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊ ਰੋਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੀਟਿਡ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਰੋਅ, ਡਿਲੀਟ ਰੋਅ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਰੋਅ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਡਿਟੈਚਡ ਮੋਡ। ਡਿਟੈਚਡ ਮੋਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਮੋਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਆ 3। ਠੀਕ, ਕਮਾਂਡ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ, ਰੋਅ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੈਚਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਫਰੋਮ ਰੋਅ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਅ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੇਂਜਿਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਮਲਟੀਪਲ ਚੇਂਜਿਸ ਟੂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰੋਜ਼ ਓਕਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡਸ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਗਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕਮਿਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲ ਬੈਕ। ਕਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਡੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਲੀਟ ਚਾਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਲ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 3 ਰੋਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਲਿਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਨਡੂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨਡੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਲ ਬੈਕ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਮਿਟ ਤੱਕ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਕਮਿਟ ਤੱਕ ਅਨਡੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਮਿਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡਸ ਮੈਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅਨਡੂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਸ। ਠੀਕ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਓਬਜੈਕਟ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਕਿਊਐਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਐਸਕਿਊਐਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਸਕਿਊਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਟੈਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਐਸਕਿਊਐਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਓਬਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਟੈਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਰਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟੈਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਕਿਊਐਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਈਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯੂਜ ਇਨ ਸਟੋਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਔਰ ਕੁਐਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਓਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਕਿਊਐਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਕ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਡਿਫਾਈਨਸ an attack in which the attacker inserts a command that compromises the security on the server into an SQL statement. SQL statement de vich ik insert kar dinda command, kis tarah di command jehdi compromise kardi hai sadi security de naal, on the SQL injection attack, and parameter object jehda hai ohnu rokda hai. Theek hai, parameter objects helps to secure our data from these types of attacks. ਠੀਕ, ਦੇਰ ਆਰ ਫੋਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਫਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਇਨਪੁੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਇਟ ਕੈਰੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨਪੁੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਬਾਇਡਰੈਕਸ਼ਨਲ, ਬਾਇਡਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਇਟਸ ਨੇਮ ਸਪੈਸੀਫਾਈ, ਇਟ ਕੈਨ ਪਰਫੋਰਮ ਬੋਥ ਇਨਪੁੱਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਇਨਪੁੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਬਾਇਡਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਇਡਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਸ ਸਟੋਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਐਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕੁਐਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਨ ਰੋ ਇਫੈਕਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਮਾਂਡ ਸੋਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਓਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।